हल्द्वानी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां दो नाबालिग छात्राओं के अचानक लापता होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, निजी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 11 और कक्षा 9 की छात्राएं पिछले दो दिनों से लापता हैं। परिजनों का आरोप है कि मोहल्ले के ही एक नाबालिग लड़के ने दोनों छात्राओं को अपनी बातों में फंसाया और मंगल पड़ाव से मैजिक में बैठाकर उन्हें लाल कुएं ले गया और वहां से दोनों को यूपी लेकर अपने रिश्तेदार के यहां चला गया। परिजनों का यह भी आरोप है कि किशोर ने एक छात्रा के भाई को धमकी दी, जिससे उन्हें अपनी बेटियों की चिंता ज्यादा सता रही है। मामले की जानकारी मिलने पर गौरक्षकों ने जोगेंद्र राणा के नेतृत्व में शुक्रवार को परिजनों के साथ बनभूलपुरा थाना पहुंचकर नारेबाजी की और किशोरियों की सकुशल बरामदगी की मांग करते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं बनभूलपुरा थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी ने आक्रोशित लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही छात्राओं को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। छात्राओं की तलाश में टीम यूपी भेजी गई है, जिस पर लोग अभी शांत हुए हैं। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।